नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 30 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर दिया गया है। ये हमारी करंट अफेयर की नई मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसमें अभी तक 1 से लेकर 5 मॉक टेस्ट ये अपलोड हो गए हैं और इन 5ों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो अब आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अप्रैल 2022 को किस राज्य में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया है? तो बताइए ये किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है सूरत में। और सूरत कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। आसाम, आसाम की सरकार ने मैत्री योजना इसको स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। अब बात यहाँ पे गुजरात की हुई है, तो गुजरात का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गुजरात के करंट अफेयर से संबंधित। सबसे पहला पॉइंट, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, नाम क्या है? नीमाबेन आचार्य। दूसरा पॉइंट, गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी रिसेंटली रामसर स्टेटस दिया जा चुका है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। थर्ड पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। फोर्थ पॉइंट, गुजरात में है कच्छ जिला और यहाँ पर है कुनरिया गांव, इसमें पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। पांचवा पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये अहमदाबाद में बनेगा। सिक्स्थ पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर खुला है? गुजरात के माही सागर में। सेवन्थ पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा गुजरात के अंदर। और आठवां पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य ये भी गुजरात बना है। तो ये तो था गुजरात का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब गुजरात की लोकेशन देखिए, ये है गुजरात की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ये गुजरात की है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं लोकसभा की, 26 सीट राज्यसभा की, 11 विधानसभा की, 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है, क्योंकि एशियाटिक लायंस पूरे भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करें, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे हैं। कमलेश्वर डैम हीरा रिवर के किनारे हैं। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे हैं। और कड़ान डैम ये माही रिवर के किनारे हैं। तो ये तो थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गोलोब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं स्लोवेनिया के। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है, स्लोवेनिया। बात करें स्पेन की, स्पेन की जो कैपिटल है ये है मैड्रिड। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। चिली की बात करते हैं, चिली की जो कैपिटल है ये है सैंटियागो और इसकी करेंसी क्या है? चिलियन पीसो। स्लोवेनिया, इसकी जो कैपिटल है ये है लुजुब्जाना, ये क्या है? इसकी कैपिटल है और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। इसकी जो करेंसी है ये है यूरो। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है स्लोवेनिया के? तो ये है बोरट, बोरट
पाहोर, ये प्रेसिडेंट है स्लोवेनिया के। जर्मनी की बात करें, इसकी जो कैपिटल है यह है बर्लिन, और करेंसी है जर्मनी की यूरो। तो ये आप याद रखेगा, सी ऑप्शन स्लोवेनिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, क्वाड समिट 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर, टोक्यो में। बी ऑप्शन टोक्यो जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वाड में चार देश आते हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, अपना देश इंडिया, अमेरिका और जापान। ये चारों देश क्वाड के मेंबर हैं, ये आप याद रखेगा। ये कुछ नहीं है इस डिस्कशन में, तेलंगाना और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का कोई भी इस डिस्कशन में इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, यानी इंटरनेशनल डांस डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब बताइए। तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे ये मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन 29 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसको नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सबसे पहले नास्कॉम क्या है, इसका पूरा नाम जान लीजिए। इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये इसका पूरा नाम है। तो कृष्ण रामानुजन, इनको भी रिसेंटली नास्कॉम का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। मनोज सोनी, इनको यूपीएससी का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। इकबाल सिंह लालपुरा, इनको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का नया चेयरमैन अपॉइंट किया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। बीमल कोठारी, इनको इंडियन पल्सिस एंड ग्रेंज एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए? तो इसने किए 4 वर्ष पूरे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, शिव श्रीधर का संबंध किस खेल से है? तो बताइए सेवंथ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इनका जो संबंध है यह है स्विमिंग से। सेवंथ क्वेश्चन का डी ऑप्शन स्विमिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से कौन सा देश हट गया है? तो यह हट गया है कौन सा देश, रूस। बी ऑप्शन रूस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओमान की बात करें, मस्कट इसकी कैपिटल है। जापान की कैपिटल टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा। अब रूस इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो रूस की लोकेशन देखें, यह है रूस। इसकी कैपिटल मॉस्को, यह इसकी लार्जेस्ट सिटी है। रशियन रूबल करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं और मिखाइल मिशुस्टिन ये प्रधानमंत्री हैं रूस के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। F1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टापन ने, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? तो 10th क्वेश्चन का 18 दिसंबर यानी बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कब मनाया जाएगा, 18 दिसंबर को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने मंत्रियों, IAS और PCS अधिकारियों को अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती जिले सांबा में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अप्रैल 2022 में किस राज्य में दूध वाणी का उद्घाटन हुआ? गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया, मतलब मनाया जाएगा। किसको टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? चंद्रशेखरन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने इसमें 3rd स्थान हासिल किया। ये क्वेश्चन कल के थे और ये क्वेश्चन आज के हैं, जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। खबरों में रहा, असुरगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तीसरा क्वेश्चन, गूगल ने युवा और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुँचाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चौथा क्वेश्चन, 2022 में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? पांचवा क्वेश्चन, किसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? छठा क्वेश्चन, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में भाग किस देश ने लिया? तो इन छह क्वेश्चनों का आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।